दोस्तों, जब दूरबीन की खोजी नहीं हुई थी तब गैलीलियो, जो कि एक महान खगोल वैज्ञानिक थे, ग्रहों की स्थिति और गति को जमीन पर चित्रित करते रहते थे और रात के समय आसमान की तरफ देखकर अनगिनत कल्पनाओं में खोए रहते थे। लेकिन 1609 में उन्हें एक ऐसी दूरबीन का पता चला जिसका आविष्कार हॉलैंड में हुआ था। इस दूरबीन की सहायता से दूर दराज के ग्रहों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया जा सकता था। गैलीलियो ने जब इसके बारे में सुना तो उनकी दिन और रात की नींद उड़ गई। वे हमेशा ये सोचते रहते कि काश ऐसी दूरबीन मेरे पास होती, लेकिन उसे हॉलैंड से मंगाना कोई आसान बात नहीं थी। फिर उन्होंने दूरबीन के निर्माण की प्रक्रिया को समझा और एक चश्मे की दुकान से कुछ लेंस खरीदे और उन लेंसों को तराशकर एक दूरबीन में फिट किया। आखिरकार उन्होंने हॉलैंड में बनी दूरबीन से भी 20 गुना पावरफुल दूरबीन बना ली और उन्होंने इस दूरबीन से सौरमंडल के सभी ग्रहों को देख लिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।